अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और मैंने कहा आज मैं अपनी YouTube फैमिली के साथ ये चीज़ शेयर कर दूँ कि मैं हर वक्त काम नहीं करती, थोड़ा सा एंजॉय भी करती हूँ। थोड़ी सी अपनी लाइफ में आगे पीछे घूमना घुमाना भी होता है, तो सारा दिन आप लोगों को काम दिखा दिखा के ना मैं भी बोर हो रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना बाहर चलते हैं, हमारे आज़ाद कश्मीर में इतना प्यारा खूबसूरत मौसम था, धूप थी इतनी तेज़। वैसे भी सर्दी में धूप एक नेमत होती है ना, तो उसको एंजॉय करने के लिए हम बाहर आ गए थे बच्चों को लेके। सुबह उठते साथ ही मैंने बच्चों को नहला लिया था, उनके कपड़े जितने भी थे वो वॉश कर लिए थे और फिर हम लोग आ गए थे। पहले तो हमारा प्लान नहीं था ना, मम्मी खाना तैयार कर चुकी थी, अब हमने बोला बाहर चल के ही खाते हैं। तो मैंने लोबिया की दाल और चावल बनवाए थे मम्मी से, तो हम साथ ही लेकर आ गए। और फिर मेरे मामू मामी भी आ गए थे, उन्होंने फ्रूट चाट और रायता वगैरह हर सारी चीज़ें, लेज़ वगैरह, स्नैक्स वगैरह वो ले आए थे। और बच्चों की भी आउटिंग हो गई थी और यहाँ पे धूप इतनी तेज़ थी कि बच्चों को गर्मी लग रही थी और उन्होंने अपनी जैकेट्स जो है ना वो उतार दी थी। तो ज़िंदगी में ये वाले होने चाहिए मौके जब आप लोग इंजॉय करें, बाहर निकलें थोड़ी देर के लिए, और ये फ्रेश एयर जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। तो हम यहाँ पे आए हुए हैं पुराने मीरपुर, ये हमारे आज़ाद कश्मीर में, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में एक जगह है जो बहुत ही खूबसूरत है, ग्रीनरी और सब कुछ। तो माइंड जो है ना वो पीसफुल हो गया था थोड़ी देर के लिए। बच्चे भी यहाँ पे, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ से गिर जाएं या कुछ ऐसा हो जाए, बच्चे भी सुकून से बैठे रहे। हम यहाँ पे साग लेने आए थे, जितना भी साग था वो भी हमने साथ चुना, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने बहुत सारा लगाया हुआ था और उन्होंने इस चीज़ की इजाज़त भी दी होती है कि आप लोग जो है ना उतार सकते हैं। तो ये सरसों का साग था, उसके बाद बहुत से और किस्म के थे, तो सारे चुनते जा रहे थे। बच्चे भी हमारे साथ हेल्प कर रहे थे और बच्चों की ना एक एक्टिविटी हो गई थी, तो अपने बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में लाजमी शामिल करें अपने साथ। घर पे बिठा बिठा के भी वो पागल ही होते हैं, तो साथ ले आए और इस तरह के कामों में उनको अपने साथ रखें। और इतना इंजॉय किया बच्चों ने भी, बच्चों के माइंड भी रिलैक्स हो गए थे। और जगह इतनी खूबसूरत है ना, कोई भी आए तो यहाँ पे थोड़ा सा माइंड उसका जो है रिलैक्स हो जाता है। तो मैं जो है ना जूते उतार के घास के ऊपर घूम रही थी, क्योंकि इतना सुकून मिल रहा था ना, थकावट सी दूर हो रही थी। इस तरह से ठंडा ठंडा घास था और उसके ऊपर हम घूम रहे थे और इतना खूबसूरत मौसम था। सामने पहाड़ियां नजर आ रही होंगी आप लोगों को, कितनी खूबसूरती है इस जगह में, माशाल्लाह। उसके बाद गाड़ियाँ इतनी थिन खड़ी और मेरा दिल कर रहा था ड्राइव करने का, यहाँ पे कुछ था भी नहीं है, ड्राइव कर लेती हूँ, पर बहुत तेज़ गाड़ी चलाने का इतना शौक है ना मुझे, सही स्पीड मार के जो गाड़ियाँ चलाते हैं। तो बाइक की गाड़ी भी थी, हस्बैंड की भी थी, मामू की भी थी, तो मैंने कहा आज क्यों ना मौका उठाया जाए। तो खैर ये साग जो है ना हमने चुन लिया था और उसके बाद स्टार्ट कर ली थी यहाँ पे ड्राइविंग करना। थोड़ी देर के लिए हमने की कार वगैरह चलाई और बहुत 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 एंजॉय किया इस दिन को हमने, अल्हम्दुलिल्लाह से। ज़िंदगी में कुछ ऐसे दिन आते हैं ना जिनको हम इतना एंजॉय करते हैं ना, सब कुछ भूल के, हर चीज़, हर स्ट्रेस को, और यहाँ तक कि मैं व्लॉग्स बनाना भी भूल गई थी, फिर भी मैंने कुछ क्लिप्स जो है ना वो मैंने शूट कर लिए थे। मैंने कहा कुछ ना कुछ जो है ना ऐड लाजमी करूँगी, छुट्टी नहीं करना चाहती अपने काम से। खैर आई भी थी यहाँ पे तो छुट्टी तो होगी थी, ज़ाहिर मेरा कंटेंट ही हो रहा है, पर आप लोग के साथ जो कुछ करती हूँ वो शेयर करती हूँ, तो ये भी लाजमी था शेयर करना।
और यही था मेरा व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट लाजमी करना। मुझे बताना आप लोगों को ये हमारी मीरपुर आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत सी जगह कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।